नमस्कार, मैं प्रखर वास ने आप सभी का समाचार टाइम 24 के खास प्रोग्राम सुपर 20 में स्वागत करता हूं। चीन ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना है कि मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ये हमला 26 नवंबर 2008 को हुआ था। 64 लोगों की जान गई थी और 308 लोग घायल हुए थे। मथुरा हिंसा को लेकर सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नितिन जेदी ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में चुनाव आयोग के को कमिश्नर ए.के. ज्योति भी मौजूद थे। अमेरिका ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत वाली एक समारोह के दौरान भारत को 200 से ज्यादा सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटा दी। कलाकृतियों की कीमत लगभग $10 करोड़ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ओबीसी कोटे को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। लालू ने ट्वीट कर कहा कि यह सातिराना तरीके से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। कहां है छाती ठोकने वाले हमारे प्रधानमंत्री। कर्नाटक जिले में तैनात एक महिला पुलिस अफसर ने शराब माफिया के दबाव में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बल्लारी जिले में सब डिविजन डिप्टी SP अनुपमा ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के राज में रामराज का बोलबाला होने का आरोप लगाया है। दिल्ली से करीब 225 किलोमीटर दूर हरियाणा के फतेहाबाद में एक प्राइवेट बस में धमाका हुआ है। बस में सवार 50 लोगों में से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका फतेहाबाद पुना रोड पर हुआ। राज्यसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव निर्दलीय विधायक राजा भैया से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि राजा भैया के बीजेपी में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं। आज रिजर्व बैंक ने बैंक ब्याज दरों की समीक्षा की। इस दौरान RBI ने ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। सीधा असर होगा कि लोगों की EMI पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार में इंटर की परीक्षा में साइंस के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ, राहुल और आर्ट्स की टॉपर रूबी के खिलाफ पटना में FIR दर्ज हो गई है। कल CM नीतीश कुमार ने न्यायिक जांच कमेटी भंग करते हुए TDP को आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश दिया था। JKLF अध्यक्ष मोहम्मद यासीन मलिक को आज 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मलिक के खिलाफ 29 वर्ष के पुराने टाटा मामले में एक कार्रवाई की गई है। JKLF के एक प्रवक्ता ने कहा कि मलिक को गत शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की तरफ से कांग्रेस से अलग होकर बनाए गए एक नए दल में जोगी की पत्नी, बेटे और एक अन्य विधायक के अलावा उनके साथ कांग्रेस का अन्य कोई नहीं गया। रमजान का पाक महीना आज से शुरू हो गया। 6 जून सोमवार को चांद निकलने के बाद देश भर में लोगों ने तरावी की नमाज अदा की और सुबह सहरी करके रोजा रखना शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उनको शुभकामनाएं दी हैं। बिहार टॉपर्स मामले में दर्ज हुई FIR में कॉलेज के डायरेक्टर विष्णु राय का भी नाम शामिल है। बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नवेली नंदा एक बार फिर सुर्खियों में। इस बार इसलिए क्योंकि वो शाहरुख के बेटे और अपने गैंग के साथ हॉलीडे पर हैं। इस हॉलीडे पर उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अभिनेता शाहिद कपूर, करीना कपूर और आलिया भट्ट की नई फिल्म उत्तर पंजाब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म से पंजाब नाम हटाने को लेकर यह विवाद छिड़ा हुआ है। सुपरस्टार सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म सुल्तान का दूसरा गाना रिलीज हो गया है, जिसके बोल हैं जब जिसे राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज दी। अभिनेता अर्जुन कपूर ने यहाँ शनिवार को अभिषेक बच्चन के नेतृत्व वाली बॉलीवुड सितारों की सजीव टीम और विराट कोहली के नेतृत्व में क्रिकेट खिलाड़ियों की सजीव फुटबॉल टीम के बीच खेले गए चैरिटी मैच में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। 11 जून से शुरू हो रहे जिम्बाब्वे दौरे को लेकर अभिषेक कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें हैं वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर, भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कप्तानों में से धोनी की कप्तानी को लेकर कई बार सवाल उठते जा रहे हैं। भारत के पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह विश्व मुक्केबाजी संगठन के एशिया सुपर मिडल वेट चैंपियनशिप मुकाबले में 16 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। इस बात की घोषणा सोमवार को की गई। हमारी खास पेशकश सुपर 20 में अभी के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।